झारखंड राज्य का साहेबगंज जिला एकमात्र ऐसा जिला है जहां से उत्तर वाहिनी गंगा बहती है और गंगा के संरक्षण के साथ साथ गंगा में रहने वाले जीव जंतु के संरक्षण को लेकर नमामि गंगे के तहत कई योजनाएं भी चलाई जा रही है। मालूम हो कि बैरकपुर से सिफरी के टीम द्वारा साहिबगंज जिले में राष्ट्रीय स्तर पर रेंचिंग कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत देश के अलग अलग राज्यों के गंगा नदी में 56 लाख से अधिक मछलियों के कई प्रजातियों को गंगा नदी में छोड़ा गया है। इसी क्रम में मंगलवार को सिफरी संस्थान द्वारा साहिबगंज के गंगा नदी में समुचित मछली प्रजातियों के विकास के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कई जन जागरूकता अभियान जैसे कि मत्स्य रेंचिंग, डॉल्फिन के संरक्षण, जल संरक्षण जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं मौके पर सिफरी के निदेशक डॉक्टर बीके दास, जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव और मत्स्य पदाधिकारी संजय गुप्ता समेत मछुआ सोसाइटी के अध्यक्ष अशोक चौधरी के द्वारा गंगा नदी में करीब 2 लाख से ज़्यादा छोटे छोटे मछलियों को छोड़ा गया। साथ ही गंगा में बृहद पैमाने पर मछली के बीजों को तैयार भी किया जा रहा है, जिसमें कतला, रेहू, मृगल, हिलसा समेत अन्य प्रजाति के मछली शामिल हैं। जिससे चलते ग्रोथिंग नहीं होता है। कौन सी इसकी है? इसमें रेहू, कतला, मिर्का और भंगना, चार तरह की मछली भारी है। हाँ, ये बड़ी वाली गंगा से कलेक्ट की हुई मछली है जो कि बिल्कुल नेचुरल है। 40 से 50 किलो मछली की बच्चा है। इसमें कौन कौन मछली का मतलब जीरा है? कतला, मिर्का और भंगना, चार तरह की मछलियाँ मेजोरिटी में रहती है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि गंगा नदी को संरक्षित करते हुए नदी में प्रवास करने वाले जीव जंतु को संरक्षण करना है और विशेष रूप से लुप्त हो रहे डॉल्फिन की संख्या में बढ़ोतरी करना सहित हिलसा मछली को भी संरक्षित करना है। भारत सरकार का जो नमामि गंगा प्रोजेक्ट चल रहा है उसके तहत में हमारा जो आईसीआर सिफरी बैरकपुर में अवस्थापित है उसी में हम लोग का जो मछुआरे के लिए मछली विकास गंगा नदी में कैसे संभव होता है उसके लिए रांचिंग प्रोग्राम हमारा हो रहा है, जिसमें हम लोग आज यहाँ पर 2 लाख मछली रोहू, कतला, मृगल मछली छोड़ रहे हैं और सब 1 ईयर क्लास है। ये मछली को हम गंगा नदी से जो माँ मछली को प्रजनन करके उसी में छोड़ रहे हैं, जिसके लिए जर्म प्लाज्म डिप्लीशन नहीं हो और गंगा का जो बोल रहे हैं निर्मल धारा, जो गंगा में मछली का प्रबंध बढ़ जाएगा तो वो यहाँ पर जो निर्मल धारा बजाय रहेगा और यहाँ पर जो डॉल्फिन दिखाई देता है वो भी बढ़ सकता है। और दूसरा काम में हम क्या कर रहे हैं, फारक्का का अपस्ट्रीम में जो हिलसा मछली अभी तक 64,000 ऊपर भाग में छोड़ सकते हैं, अभी लास्ट मंथ सर्वे में आपका मछुआरा यहाँ वो हिलसा बच्चा भी मर रहा है। तो ये जो कर रहे हैं आज 2 लाख मछली छोड़ रहे हैं, हम चाहते हैं ये गंगा में इस्टेब्लिश हो और यहाँ प्रजनन करे और मछुआरे का आजीविका दोगुना की ज़्यादा हो सकता है और जो गंगा के जो मछली घट रहे हैं उसी का प्रबंध हो। वहीं मौके पर उपायुक्त रामनिवास यादव ने बताया कि नमामि गंगे सहित अन्य संस्थानों द्वारा गंगा नदी में मछली के समग्र विकास को लेकर कई योजनाओं के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे कि मछुआरों को भी इसका भरपूर लाभ मिल सके। का उत्पादन काफ़ी अच्छे से होता था और नेचुरल तरीके से किया जाता था। अभी ICR की तरफ से यहाँ पे स्पॉन छोड़े गए हैं और क्योंकि कुछ अच्छा क्वालिटी का है, नेचुरल है, उसका प्रोडक्शन के लिए और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत और ICR की तरफ से स्पॉन छोड़े गए हैं। आने वाले समय में अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। थैंक यू। दे दिया।